भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश जी, ये पूरा जो किसान आंदोलन हुआ, वजह आपके साथ से क्या रही? किसानों ने इस बात को लेकर के थोड़ी सी आक्रोशता कि उनके उत्पादन का उनको सही मूल्य नहीं मिलेगा। चाहे सोयाबीन की बात करें, चाहे आलू की बात करें, चाहे प्याज की बात करें, फसल तो बहुत बम्पर रही थी, पर जैसी फसल खेत के बाहर आई, रेट भी डाउन हो गया, उससे थोड़ी सी नाराजगी। पर इस नाराजगी को कुछ लोगों ने हिंसक बना दिया और किसान के कंधे पर बंदे के रखकर चला। मैं समझता हूँ इन सब लोगों के चेहरे मीडिया ने बेनकाब कर दी। कौन से चेहरे थे जिन्होंने प्रदेश में हिंसा फैलाई? इसलिए इससे बहुत साफ हो गया बंदे कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में काम करना चाहती है, पर किसानों के कंधे पर बंदे के रखकर कुछ लोग इस देश के राजनीति को गंदी करना चाहते हैं, उनके चेहरे मीडिया ने साफ किया। उपद्रव की बात करें तो निश्चित तौर पर सभी ने इसको नकारा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 6 बार से कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार हासिल कर रही है, फिर किसानों में नाराजगी किस बात की? देखिए, किसानों की मेहनत, प्रदेश का उत्पादन, किसानों की मेहनत होता है, उत्पादन अभी बहुत अच्छा है, पर किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा। उचित मूल्य दिलाना है सरकार की जवाबदारी और आज मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा दी है। मैं समझता हूँ बहुत क्रांतिकारी घोषणा, किसी भी प्रदेश के अंदर शायद इस प्रकार की सरकार की योजना नहीं होगी कि रेट के फ्लक्चुएशन में जो किसान को नुकसान होगा तो सरकार उसको नियंत्रित करने का काम करेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है जिसमें 1000 करोड़ का बजट सरकार ने रखा है। लेकिन ये मध्य प्रदेश सरकार वही सरकार है जहाँ पे कृषि कैबिनेट है, अलग से तमाम कृषि के तमाम अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की पॉलिसी इतने बड़े प्रदर्शन के बाद बनती है, आपको लगता है बड़ा फेलियर यहाँ पर? फेलियर तो नहीं कह सकते, पर हाँ, अधिकारियों ने जो फीडबैक दिया है मुझे लगता है वो ठीक नहीं पहुँच पाया मुख्यमंत्री जी के पास। इसलिए मैं समझता हूँ कि भविष्य में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। आप अक्सर जो अपने बात पे अधिकारियों पर लगातार सवाल उठाते हैं, ब्यूरोक्रेट से लगातार सवाल उठाते हैं, आपका कहना है कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इम्प्लीमेंटेशन? नहीं, हमें जिम्मेदार है। देखिए, ऐसा है कि शासन और प्रशासन दोनों के माध्यम से सरकार चलती है। सरकार निर्णय कितने भी अच्छे ले लो, उसका क्रियान्वयन प्रशासन करता है। प्रशासन की कर्मठता, उनकी ईमानदारी की जवाबदारी निश्चित रूप से सरकार की होती है। तो अपरोक्ष रूप से तो हम कह सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, इसमें हमें समझ नहीं हो सकते, पर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं है। इस आंदोलन में इस बात का संदेश चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी कि कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि कलेक्टर और एसपी तो अभी किस तरह के मोहरे हो गए, कोई बड़ा प्रदर्शन होता है तो उनको हटाना जाना तय है, लेकिन एक बड़ी जो प्रशासनिक सर्जरी हो सकती थी, बड़ा मैसेज जो दिया जाना चाहिए था वो तो नहीं दिया गया। अभी तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का खुद का एक विवेक है जताने वाला, और मुझे विश्वास नहीं है कि आज जिस प्रकार के उनके फेवर थे, आने वाले समय में आम किसान की जो परेशानी नहीं है इसको लेकर चिंता रखेंगे। बड़ा वैसा सवाल है कि राजनीतिक तौर पर कि जब भी किस तरह का प्रदर्शन होता है तो अब कांग्रेस ने स्टैंड लिया कि तो दिस इज इन फाइटिंग बिटवीन बीजेपी के अंदरूनी जो है लड़ाई है, और कहीं ना कहीं इशारा आपकी तरफ भी कर देते हैं। कुछ वीडियोस भी इन्होंने इंदौर के जारी किए थे जिसमें कुछ कार्यकर्ता जो है लाठी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो षड्यंत्र हो सकता है, खास बात नहीं होती, पर एक्चुअल मैदान में षड्यंत्र करते हुए, कमरे में षड्यंत्र करते हुए कुछ लोगों को उजागर मीडिया ने किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया को कि मीडिया ने उन सब चेहरों को बेनकाब किया, तो जो कहीं ना कहीं इस प्रकार की गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहे थे उनके चेहरे बेनकाब हो गए। तो आपके प्रश्न में उत्तर भी है, तो मैं समझता हूँ कि अब इससे कोई प्रश्न नहीं बनता कि कौन लोग थे, कौन लोग कर रहे थे, सबके चेहरे बेनकाब हो गए, सरकार जैसे भी बहुत साफ हो।
सवाल हालांकि इस आज की घटनाक्रम से मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि आप बड़ी मुश्किल से यहाँ मिलते हैं तो एक सवाल पूछने की मैं ज़रूरत कर रहा हूँ। अक्सर ये देखा जाता है कि एक दूसरा धड़ा है, कैलाश जी खड़े हैं, एक अलग से एक डिस्टेंस बनाई जाती है और कहीं ना कहीं इसके बीच में कई लोग जो हैं वो अपनी सियासी गोटियाँ भी सेकते हैं। क्या आप आज चाहेंगे कुछ आप स्थिति स्पष्ट करें कि भाई देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द लीडरशिप एंड कैलाश विजयवर्गीय जी? ये हो भी सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पांच उंगली बराबर होती, मैं ये भी नहीं कहता कि हर घर के अंदर पूरा परिवार बिल्कुल आपस में एक मत होता है। कई लोगों के मत भिन्नता होती, मत भिन्नता होना अलग है और जो एकीकरण है वो एक आइडियोलॉजिक कारण है पार्टी का, वो हमेशा रहेगा। और आइडियोलॉजी हम मजबूत खिलाड़ी हैं तो कई मामलों में हमारी मत भिन्नता किसी से भी हो सकती है, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका अलग है, बाकी लोगों का काम करने का तरीका अलग रहता है, तो उससे तो स्वाभाविक है। कहीं पर भी हो सकती है, मेरे भोपाल में भी हो सकती है, दिल्ली में भी हो सकती है, मेरे घर में हो सकती है, मेरे परिवार में हो सकती है, मेरे पुत्र से हो सकती है, तो ये बहुत स्वाभाविक है। हम मनुष्य हैं और हम अगर हाँ अगर हम नकली चोला पहन कर ये बताएं लोगों को कि नहीं नहीं हम तो बिल्कुल सब एक है, वो नकली चोला पहनने की मेरी आदत नहीं। मुझे जहाँ लगता है कि ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं कहता हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो जहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता मैं बोल देता हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसको गुटबाजी नहीं मानना चाहिए, इसको ये मानना चाहिए कि पार्टी के अंदर आर्थिक प्रजातंत्र है। प्रदेश लीडरशिप को लेकर कई जो कयास उठ रहे हैं, कई सवाल भी आपसे लगातार पूछ जा रहे हैं, अगर आपको इस तरह की कोई मौका मिलता है, पार्टी हाईकमान कहता है तो क्या आप तैयार हैं मध्य प्रदेश के जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान को संभालने के लिए? बिल्कुल, तो पार्टी के निर्देश पर हम कुछ भी कर सकते हैं, पार्टी के सिपाही हैं। पर आज की तारीख में वो इंस्पेक्टर हूँ और बाद में सब इंस्पेक्टर तीन स्टार से दो स्टार आपने बनाया तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मेरे को थ्री स्टार बनाने दी। शुक्रिया, खतरों से खेलना भी अच्छा लगता है और बेबाक जवाब देना भी कैलाश विजयवर्गीय जी की पहचान है। निश्चित तौर पर मध्यप्रदेश की राजनीति में एक ऐसा सितारा जो कि जब भी कदम रखता है तो सुर्खियां जरूर बनता है। कैमरामैन सुजीत लांजीवार के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल।